दुर्ग निगम अधिकारी कर्मचारियों ने काम बंद कलम बंद हड़ताल कर निगम के मुख्य द्वार के सामने अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे रहे। वहीं निगम में ताला जड़ हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने केक काट कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। छत्तीसगढ़ स्वायत्त शासी कर्मचारी संघ के बैनर तले दुर्ग नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में अपनी दो सूत्री मांग को लेकर कलमबंद काम बंद कर दुर्ग निगम के दफ्तरों में ताला लगाकर निगम के ही मुख्य द्वार के सामने हड़ताल पर बैठ गए। मंगलवार को दूसरे दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर सभी पंडाल में उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन केक काटकर मनाया और इस अवसर पर गुहार भी लगाई। और तलब है कि दुर्ग निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के समर्थन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कलमबंद कामबंद आंदोलन में स्वायत्त शासी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सामूहिक रूप से निकाय के समस्त कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं, जिससे आम लोगों की तकलीफ अब सामने आने लगी है। वहीं कुछ परिवार तो निगम परिसर में दफ्तरों में लगे ताले को देखकर परेशान नजर आए। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ जो है दुर्ग छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ प्रदेश महासंघ के आह्वान पर उनको नैतिक समर्थन देते हुए आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के दूसरे दिन आज यहाँ सब हम लोग आंदोलन स्थल पर इसके साथ इकट्ठा है। पूरे 300 कर्मचारी मेरे नगरीय निकाय के जो दुर्ग के हैं सब यहाँ इकट्ठा एक मंच पे हैं। और आज हम क्योंकि मुख्यमंत्री जी का बर्थडे भी है और इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने आज उनका बर्थडे भी मनाया है, लेकिन उनको याद भी दिलाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनको याद भी दिलाया कि हमें केंद्र के समान एचआरए और डीए आज अपने मुख्य जन्मदिन के अवसर पर आज अपने मुख्य से करकमलों से हमें आज प्रदान करेंगे, ताकि हम सब कर्मचारी भी उनके आज जन्मदिन पर एक यादगार जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। और ऐसे ही मैं कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे एचआरए और डीए की जो लंबी समस्या है जिसके लिए हम सब आंदोलनरत हैं वो पूरा कर दें, और उसको पूरा कर देते हैं तो हम सब आंदोलन से अपने आप वापस हो जाएंगे, उनके उनको बहुत बधाई भी दी जाएगी। आज माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी का जन्मदिन अवसर है, मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ स्वायत्तशासी कर्मचारी संघ की ओर से, कि वे दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, हमारी कामना है। मैं जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए आग्रह करता हूँ कि जैसे हम उनके लिए अपेक्षा करते हैं कि वो दीर्घायु रहें, उसी प्रकार हमारे लिए भी जो है वो ये सोचें हमारे पीछे हमारा परिवार हमारे बाल बच्चे लगेंगे, अगर वो उसे सहानुभूति पर विचार करें तो उन्हें पता चलेगा कि एक कर्मचारी जो है वो अपेक्षा के अनुरूप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर अपने कार्य करता है और समय अवधि से ज़्यादा कार्य करता है, अपनी मेहनत को वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा है, वो केवल यही मांग रहा है कि हमें डीए और एचआरए की जो मांग हमारी है उसे एक किसी से दें, यही मेरी अपेक्षा है। और पुनः जन्मदिन के उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। दूसरे दिन सभी नगरीय निकाय के कर्मचारी और हमारा दुर्ग नगर निगम आज यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित है, और आज हमने विशेषकर माननीय यशस्वी एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जन्म दिवस पर आज हमने सभी कर्मचारी यहां केक काट कर उन्हें धन्यवाद एवं बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं कि कम से कम आज अपने शुभ दिवस जन्म दिवस के अवसर पर वह हमारी मांगों को पूरी कर दे। तो हम कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि हम जनता परेशान हो या कोई परेशान, हम अपनी हड़ताल मांग पूरी होते ही वापस ले लेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।